अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोग को जो है वो कॉपी वर्क स्टार्ट करवाया था, और मैंने आपसे कहा था कि बुक वर्क हम बाद में करेंगे। और कॉपी वर्क में जो है वो मैंने आपको जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 से जो है वो वर्क स्टार्ट करवाया था, पेज नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन 4 और 5 जो है मैंने आपको करवा दिया था, और आपसे कहा था कि आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 7 और 8 जो है वो अपने होमवर्क में जो है वो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो 7 जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 को फॉलो कर रहा है, और 8 जो है वो 5 को फॉलो कर रहा है। इस तरीके से आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहना था। उम्मीद है कि आप सब स्टूडेंट अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको जो है अपनी स्क्रीन के ऊपर जो है वो नजर आ रहा होगा। आपको क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? राइट द नंबर्स एंड फिगर्स गिविंग द स्पेसेस करेक्टली। मैंने कहा था कि आपकी बार इंटरनेशनल सिस्टम में हमने कॉमास नहीं लगाना है, बल्कि उसकी जगह पे क्या देना है? स्पेस देना है। और आपको पता है कि हर 3 नंबर्स के बाद जो है वो स्पेस दिया जाता है, और आपने 3 नंबर्स के बाद स्पेस कहाँ से देना है? नंबर्स आपने हमेशा राइट साइड से ही स्टार्ट करने हैं, क्योंकि आपकी प्लेस वैल्यू जो है वो हमेशा राइट साइड से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपको जो पहला नंबर दिया हुआ है 2905384356, तो आपने क्या किया, 653 के बाद स्पेस, 483 के बाद स्पेस, 509 के बाद स्पेस, और फिर 2 आपने लिख दिया। 2 के बाद स्पेस, स्पेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो है वो नंबर्स आगे खत्म हो गए। इसी तरीके से सेकंड पार्ट देखें, राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, 007 स्पेस 130 स्पेस 746। ठीक है, फिर सी पार्ट में देखें, 107 स्पेस 950 स्पेस 023 स्पेस, और फिर 1 लिखेंगे। ठीक है, लास्ट पार्ट 736 स्पेस 105 स्पेस 034। ठीक है, तो इस तरीके से आपके जो है वो ये तमाम पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। आपने जो है वो करेक्टली जो है वो 3 नंबर्स के बाद जो है वो स्पेस देना है, लेकिन आपको याद रखना है कि ये स्पेसेस आप राइट साइड से जो है वो देना शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पे जाएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे बोला गया है कि जो रिंग डिजिट है आपने इसकी वैल्यू बतानी है। देखिए बेटा, जो आपको पार्ट ए दिया हुआ है ये एक्चुअली क्या है, ये है आपके पास पूरा एक नंबर 1417963 एक नंबर है, और इसके अंदर जो नंबर्स आपको लिखे हुए हैं 1479623, अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूँ तो ये कहलाएंगे डिजिट। यानी कि अगर मैं पहले नंबर में आपसे पूछूँ कि कितने डिजिट है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि काउंट करके कितने हैं, 8 डिजिट्स है। यानी कि पहला जो पार्ट आपको दिया है वो 8 डिजिट्स पे मुश्तमिल है। ठीक है, आपने क्या करना है, इसके अंदर जो 7 है जिसके ऊपर रिंग बनी हुई है, आपने इसकी प्लेस वैल्यू बतानी है। प्लेस वैल्यू बताना बहुत आसान है। आप क्या करेंगे, राइट साइड से जो है वो प्लेस वैल्यू लिखना शुरू करेंगे, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन एंड 10 मिलियन। तो अगर आप 7 को देखें तो वो 10,000 के उस पर आ रहा है, तो आप इसे क्या पढ़ेंगे, 70,000 पढ़ेंगे। और इसे लिखेंगे कैसे, 7 के बाद 4 नंबर्स बचे थे तो इसलिए 4 जीरोस जो है आप लगा देंगे। सबसे पहले आप नंबर में इसलिए लिख लीजिए ताकि आपको उसको पढ़ने में आसानी रहे। ठीक है, तो पहले आपने क्या किया, 7 के बाद जो है 4 नंबर से इसलिए आपने 4 जीरोस लगा दिए, तो आप इसे क्या पढ़ेंगे कि ये क्या है, 70,000 है। अब सेकंड पार्ट की तरफ जाते हैं, इसमें आपको 9 डिजिट की जो है वो वैल्यू बतानी है। जो 9 बना हुआ है इस वाले डिजिट की वैल्यू बतानी है। आपने क्या किया, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, 1,000,000, 10,000,000, 100,000,000 और बिलियन तक आपने इसके ऊपर प्लेस वैल्यू लिख दी। आप देखिए ये 9 जो है वो किस पे आ रहा है, 10 मिलियन पे आ रहा है। तो इसे आप क्या लिखेंगे, 9 के बाद जितने भी नंबर्स बचे थे आपने उतने जीरोस लगा दिए, और इसे पढ़ेंगे क्या बेटा, 90 मिलियन। अगर 100 मिलियन पे होता तो 900 मिलियन पढ़ते, अभी ये 10 मिलियन पे आ रहा है, इसलिए आप इसे क्या पढ़ेंगे, 90 मिलियन पढ़ेंगे। ठीक है, अब इससे जो है वो रिलेटेड हम थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में आपको दिया हुआ है नंबर, इसमें आपको 5 की प्लेस वैल्यू बतानी है। अगेन आप जो है वो प्लेस वैल्यू लिखेंगे, और आप देखेंगे कि 5 जो है वो आपका 100,000 पे आ रहा है, तो आप जो है वो 5 के बाद जितने भी नंबर है उतने जीरोस लगा देंगे, और इसे पढ़ेंगे क्या, 500,000 पढ़ेंगे। ठीक है, इसी तरीके से डी पार्ट के अंदर आपसे जो है वो कहाँ तक जा रहा है, 10 मिलियन तक आपकी प्लेस वैल्यू जा रही है, और आपको जो है वो 8 की बतानी है। 8 किस पे आ रहा है, मिलियन पे आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, 8 के बाद जितने भी नंबर है उतने जीरोस लगा देंगे, और जो है वो इसे क्या पढ़ेंगे, 8 मिलियन पढ़ेंगे, क्योंकि ये मिलियन के ऊपर आ रहा है। इसी तरीके से ई पार्ट के अंदर देखिए, ई पार्ट जो है वो आपका बिलियन पे आ रहा है, तो आप इसे क्या पढ़ेंगे, 1 बिलियन पढ़ेंगे। इसके बाद जो है वो आप देखें, 5 जो है वो आपका कहाँ आ रहा है, 5 एफ पार्ट के अंदर 5 जो है आपका 100 मिलियन के ऊपर आ रहा है, तो आप इसे क्या पढ़ेंगे बेटा, 500 मिलियन, और 5 के बाद जितने भी नंबर्स हैं उतने जो है वो जीरोस जो है वो मेंशन कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर जाएंगे। जी स्टूडेंट्स, सो अब हम जो है वो क्या करेंगे, इससे रिलेटेड अब हम क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो क्या है, आपसे बोला गया है कि आपने क्या करना है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। आपने क्या करनी है, जो आपको नंबर्स दिए हुए हैं गिवन, उनके आपने क्या करनी है, एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है। एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना बहुत ईजी है स्टूडेंट्स। आपको जो है पहला नंबर दिया हुआ है 37618
8 3 0 5 9 6। ठीक है, इनके बीच में स्पेसेस हैं तो आपने स्पेसेस भी जो है वो ऐसे ही लगाना है। एक्सपेंडेड फॉर्म में हम क्या करते हैं, जिस भी नंबर की हम बात कर रहे हैं उस नंबर के बाद जितने भी नंबर्स बचेंगे आपने क्या करना है, उनकी जगह पे जीरो लिख देना है। तो सबसे पहले आपने 3 लिखा, उसके बाद जो है आपके पास 9 नंबर्स आ गए हैं, इसलिए आप 9 जीरो जो है वो ऐसे स्पेस डाल के लिख देंगे। फिर प्लस की साइन लगाएंगे, 7 लिखेंगे, 7 के बाद जो है वो आपके पास कितने नंबर बच जाते हैं, जितने भी बच जाते हैं 3 3 6 और 2 8, तो 8 जीरोज लगा देंगे। फिर 6 के बाद जितने नंबर्स हैं उतने जीरोज लगा देंगे। फिर 1 के बाद जितने नंबर्स हैं उतने जीरोज लगा देंगे। फिर प्लस की साइन, 8 के बाद जितने नंबर्स हैं उतने जीरोज। फिर प्लस 3 के बाद जितने नंबर्स हैं उतने जीरोज। फिर देखें आपके पास जो है वो 8 3 के बाद क्या है, जीरो है। जीरो ऑलरेडी है, तो जब भी आपके पास एक ऐसी प्लेस वैल्यू जहाँ पर आपके पास जीरो दिया हुआ है वहाँ आपको उसको एक्सपेक्ट करके जीरोज मजीद लिखने की जरूरत नहीं, बल्कि आप उसकी जगह पे एक सिंगल जीरो जो है वो लिख दीजिए। प्लस फिर 5 के बाद दो नंबर है इसलिए 2 जीरोज, 9 के बाद जो है वो 1 नंबर है इसलिए 1 जीरो, और 6 के बाद कोई भी नंबर नहीं है इसलिए वो 6 ही रहेगा यूनिट पे। ठीक है, इसी तरीके से इसका पार्ट टू देखिए, पार्ट टू में भी ऐसे ही करेंगे। 9 के बाद जो है वो जितने जीरोज है उतने जीरोज लगा देंगे, प्लस 5 के बाद जितने नंबर्स हैं उतने जो है वो जीरोस लगा देंगे, 9 के बाद जितने नंबर्स हैं उतने जीरोस, 4 के बाद जितने नंबर्स हैं उतने जीरोस। अब देखें 4 जीरो है, 4 के बाद क्या था, जीरो था, तो इसलिए अब उसके साथ जो है मजीद जीरोस लगाने की जरूरत नहीं, बल्कि उसको एक सिंगल दफा जो है आप जीरो लिख के छोड़ दीजिए। फिर 3 के बाद जितने नंबर्स हैं उतने जीरोस, फिर आप देखें 3 के बाद अगेन एक जीरो है, तो आपने उसको ऐसे ही जीरो रहने दिया, आपने उसके आगे मजीद जीरोज नहीं लगाए क्योंकि उसकी कोई प्लेस वैल्यू है ही नहीं आपके पास। क्यों 7 के बाद एक नंबर था इसलिए एक जीरो, प्लस 5 जो है वो सिंगल रहेगा। इसी तरीके से सी पार्ट देखें, 7 के बाद जितने नंबर है उतने जीरो, अब 7 के बाद क्या था, जीरो था इसलिए उसको जीरो ही रहने दिया प्लस करके। ठीक है, उसके बाद मजीद जीरोज नहीं लगाया उसके अंदर। फिर प्लस 5 के बाद जितने नंबर थे उतने जीरोस, 1 के बाद जितने नंबर थे उतने जीरोस, 2 के बाद जितने नंबर थे उतने जीरोस, 8 के बाद जितने नंबर थे उतने जीरोस, 4 के बाद जितने नंबर थे उतने जीरोस, और 7 के बाद कोई नंबर नहीं है इसलिए उसके बाद कोई जीरो नहीं लगेगा। ठीक है, इसी तरीके से डी पार्ट में देखें, 4 के बाद जितने नंबर से उतने जीरोस लगा दिए, अब 4 के बाद जो है वो 2 जीरोस हैं इसलिए प्लस जीरो प्लस जीरो ऐसे ही लिख दिया, मजीद जीरोस लगाने की जरूरत नहीं है। फिर 6 के बाद जितने नंबर से उतने जीरोस लिखे, 7 के बाद जितने नंबर थे उतने जीरोस लिखे, फिर 7 के बाद जीरो था इसलिए आपने उसे जीरो ही रहने दिया, 1 के बाद जितने नंबर से उतने जीरोस लिख दिए, फिर जीरो है इसलिए एक दफा सिंगल जीरो लिख देंगे, फिर 1 के बाद दो एक ही नंबर है तो एक जीरो लगाएंगे, और फिर लास्ट यूनिट प्लेस भी जो है आपके पास क्या था, जीरो था, तो इसलिए जीरो ही रहने देंगे। अब स्टूडेंट्स हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। आई होप आपको एक्सपेंडेड फॉर्म जो है वो समझ में आ गई होगी। अब आपने क्या करना है, 11 वाले क्वेश्चन के अंदर आपसे बोला गया है कि आपने इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। आप देखें स्टूडेंट्स, डिसेंड का मतलब होता है डाउनवर्ड की तरफ आना, तो इसका मतलब यह है कि डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है कि हम जो है वो बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे, यानी कि एक बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जाएंगे। ठीक है, डिसेंडिंग, अब अगर आपको असेंडिंग बोला जाएगा तो असेंड का मतलब होता है अपर की तरफ जाना, ठीक है, ग्रेटर की तरफ जाना। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, असेंडिंग में छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे, डिसेंडिंग में बड़े से छोटे की तरफ आएंगे, हमें डिसेंडिंग बोला गया है। अब आपके पास नंबर जो है वो यहाँ पे बिग है, तो आपने नंबर्स को जो है वो क्या करना है, अपने अपने डिजिट्स तक चेक करना है कि कितने डिजिट्स तक आपके पास जो ये 3 नंबर्स या 4 नंबर्स आपको दिए जाएंगे वो कितने डिजिट तक सेम है और कहाँ से वो डिफरेंट आ रहा है वहाँ से आपने काम करना है। जैसे कि आपके पास जो है वो पहले जो 3 नंबर्स दिए गए हैं पार्ट ए के अंदर 7496032 89, 7496302928, 7496138 29। ठीक है, आपको ये दिए हुए नंबर आप देख के चेक करें, पहला डिजिट, दूसरा डिजिट, तीसरा डिजिट, तीनों नंबर्स में पहला दूसरा और तीसरा डिजिट क्या है, सेम है, बल्कि चौथा डिजिट भी सबका सेम है। देखें 6 तक 7496 तीनों नंबर्स के अंदर जो है वो सेम है, कहाँ से चेंजेस आ रही है, फिफ्थ नंबर से जो है वो आपके पास चेंजेस आ रही है। ठीक है, पहले वाले में जीरो है, दूसरे वाले में 3 है, तीसरे वाले में 1 है। अब आपने क्या करना है, यहाँ से जो है वो चेकिंग करनी है, तो आप यहाँ से चेकिंग करें कि एक है आपके पास 603 फर्स्ट नंबर में, दूसरा है आपके पास 630 और तीसरा है आपके पास 613 नंबर में। ठीक है, तो आप मुझे बताइए 603, 630 और 613 में कौन बड़ा होगा, 630 बड़ा होगा, तो इसलिए सबसे पहला जो बिगर नंबर है वो क्या है, 7496039 28। फिर सेकेंड जो ग्रेटर है वो क्या है, 7496138 29। और फिर जो थर्ड जो है वो आपके पास कौन सा होगा, 7496032 98, यानी कि सबसे बिगर, फिर उससे सबसे स्मॉलर, और फिर उसके भी स्मॉलेस्ट पे जो है आप जाएंगे, यानी कि पहले 630 वाला जो है वो सबसे बड़ा है, फिर उससे नीचे जो है वो 613 वाला है, और फिर उससे नीचे जो है वो 603 वाला जो है वो नंबर आएगा। डिसेंडिंग है ना, तो बड़े से हम छोटे की तरफ जा रहे हैं, तो सबसे पहला बड़ा डिजिट कौन सा था, ये 603 वाला था, फिर 6 उससे छोटा कौन सा था, 613 वाला था, और फिर उससे छोटा कौन सा था, 603 वाला था। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो है
इसका सेकंड पार्ट अगेन चेक करते हैं, आपने वही अगेन चेक करना है कि कहाँ से चेंजेस आ रही है। 3 4 3 4 1 3 4 1 सबके पास जो है वो सेम है, सबके पास 3 डिजिट सेम है, 4 डिजिट से जो है वो चेंजेस आ रही है, 0 6 और 5 है। ठीक है, तो अब आप जो है वो क्या चेक करेंगे, एक है आप 3 को तो सबको छोड़ दीजिए, एक है 410, एक का है 416 और एक का है 415। तो सबसे बड़ा क्या होगा, 416 होगा, तो सबसे पहला जो बिगेस्ट नंबर है वो क्या है, 3 416 053 293 होगा। सेकेंड जो स्मॉलेस्ट में आएगा, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा आपने लिख दिया, सेकेंड जो स्मॉलेस्ट आएगा वो क्या आएगा, 3 415 933 209। ठीक है, और फिर उससे जो स्मॉलेस्ट है वो क्या है, 3 410 623 590। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है वो अरेंज हो गया। थर्ड पार्ट आप चेक किए, थर्ड पार्ट में जो है वो 3685 3685 3684 आपके पास जो है वो, आपके पास थर्ड फोर्थ डिजिट से जो आपके पास चेंजेस आ रही हैं। ठीक है, थीके? 2 में 5 है और 1 में 4 है। तो देखें जो दोनों 5 वाले हैं, सबसे पहले आप उनको चेक कीजिए, दोनों 5 वाले में देखिए 014 है और 004 है। तो सबसे पहले बड़ा क्या होगा, 014 होगा, सबसे पहले ये आएगा, फिर 004 होगा और सबसे लास्ट जो है वो 684041 वाला होगा। ठीक है, लास्ट नंबर जो है, तो आप देखिए ऑलरेडी आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो हो सकता है कि आपको ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके दिया जाए, बस आपको चेक करना चाहते हैं कि क्या आपको डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब पता है कि हमें बड़े से छोटे की तरफ जाना है, वही चेकिंग जो आपकी की हुई है। हो सकता है ऑलरेडी अरेंज हो और हो सकता है अरेंज ना भी हो, तो आप ऐसे ऐसे जो है वो अरेंज करेंगे। ठीक है बेटा, अब हम जो है वो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 12 है, जिसमें आपको जो है वो क्या करना है, प्रीडिसर बताना है। अब देखें जैसे असेंड में मैंने आपसे कहा था कि आप छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे, डिसेंड में आप बड़े से छोटे की तरफ आएंगे। ठीक है, इसी तरीके से प्रीडिसर और सक्सेसर होता है। सक्सेसर का मतलब होता है कामयाबी और प्रीडिसर का मतलब होता है नाकामी। तो जब भी आपसे बोला जाएगा कि आप मुझे इस नंबर का सक्सेसर बताएं, तो आप उस नंबर में 1+ कर देंगे। और जब भी आपसे कहा जाएगा कि आप मुझे एक नंबर आपको दिया जाए और आपसे बोला जाए कि आप मुझे इसका प्रीडिसर बता दें, तो आप उससे एक कम नंबर बताएंगे, यानी कि उसमें से 1 क्या कर देंगे बेटा, माइनस कर देंगे। तो जो आपके पास पहला नंबर दिया हुआ था, आपने क्या किया, अपने पहले नंबर को लिखा 9999999000, इसमें से 1 माइनस कर दिया। 1 आपको पता है यूनिट पे आ रहा है, तो इसलिए आप उसको यूनिट के नीचे ही जो है वो लिखेंगे, यानी कि 0 जो आपका यूनिट पे है राइट साइड पे, तो आप 1 भी जो है अपना राइट साइड पे 0 के नीचे लिखेंगे। आपको पता है फिर आपने क्या करना है, माइनस, माइनस सबको करना आता है, 0 में से 1 माइनस नहीं हो सकता, तो इसलिए वो अपने पीछे वाले से कैरी लेगा, पीछे वाले के पास खुद नहीं है तो वो उससे पीछे वाले से जो है वो ऐसे कैरी लेता हुआ, यानी कि वो सबसे पहले 9 के पास जाके कैरी लेगा, 9 खुद 8 हो जाएगा, फिर वो आगे वाले को 10 कर देगा, फिर आगे वाला अगले वाले को 10 कर देगा, वो खुद 9 हो जाएगा, फिर उसके आगे वाला जब अगले वाले को 10 कर देगा, वो खुद 9 हो जाएगा, फिर 10 में से 1 जाएगा तो 9 बच जाएगा। और इसके बाद बाकी तमाम नंबर्स के नीचे कोई भी नंबर मौजूद नहीं है, यानी कि वहाँ 0 है, तो आपके पास नंबर एज इट इज जो है वो आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो है वो उसका प्रीडिसर जो है वो 1 माइनस करके इजीली आ सकता है। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड पार्ट में भी आप ऐसे ही माइनस करेंगे। अब सेकंड पार्ट में 1 में से 1 माइनस हो सकता है, इसलिए डायरेक्ट 0 आंसर आ गया, बाकी नंबर एज इट इज उतर जाएंगे। इसके अगले वाले पार्ट सी के अंदर भी जो है 1 माइनस करेंगे, 0 में से 1 नहीं जा सकता, तो इसलिए जो है वो अपने पीछे वाले से और पीछे वाला उसके पीछे वाले से कैरी लेगा, तो 1 0 हो जाएगा और फिर वो आगे वाले को 10 करके खुद 9 हो जाएगा और फिर जो है वो आगे वाले के पास 10 चला जाएगा। इस तरीके से जो है वो माइनस करके जो है वो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से बिल्कुल डी पार्ट भी करेंगे। सिंपली आपको बताने का मकसद ये है कि अगर आपको सक्सेसर बोला जाए तो आप 1+ करेंगे उस नंबर में, और अगर आपको प्रीडिसर बोला जाए तो आप 1 उस पर से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ हमें जो है वो प्रीडिसर बताने थे, तो इसलिए हमने क्या किया बेटा, 1 जो है वो माइनस किया है। ठीक है, आई होप आप तमाम स्टूडेंट्स को जो है वो ये लेक्चर जो है वो समझ में आ गया होगा। अब जो है वो हम अपना बुक वर्क जो है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, और आप सबका काम क्या है कि 4 से लेके 12 तक जितना भी कॉपी वर्क है ये आप सबने जो है वो प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस क्या है कि आपने ये तमाम क्वेश्चन अपने घर में जो है वो दोबारा से अटैम्प्ट करने हैं अपनी कॉपी में। जब आप इसे फेयर में काम करेंगे तो आपके पास जो है प्रैक्टिस भी जाएगी, और आप जो है वो इसे मजीद जो है वो प्रैक्टिस के लिए रफ कॉपी में भी जो है वो दोबारा से प्रैक्टिस इसकी कर लीजिएगा, और फेयर कॉपी में अपना तमाम काम जो है वो क्या कर लीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है, नेक्स्ट क्लास में हम इसका बुक वर्क स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।